नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय से अयोध्या विवाद वाले चैप्टर को छोटा किया है। नई एनसीईआरटी की किताब में बाबरी मस्जिद का नाम भी हटा दिया गया है और इसे 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया। इसके चैप्टर को छोटा करके 4 से 2 पेज में किया गया है। तो किताब से हटाया गया बाबरी मस्जिद का नाम, मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया है। सामाजिक विज्ञान के चैप्टर को यहां पर छोटा किया गया है। तो एनसीईआरटी ने किताब से हटाया बाबरी मस्जिद का नाम। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एनसीईआरटी के इस फैसले का विरोध किया और इसे बड़ी गलती बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसके बारे में सभी को जानने का अधिकार है। 23 दिसंबर 1949 में रामलला वहाँ प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। जो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। इसलिए यह अधूरी है इनके जो एनसीईआर की पुस्तक में बनाई जा रही है, और इनकी सोच गलत है। इनकी सोच दिखाना चाहिए कि हम बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है। 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटाए जाने पर बढ़ते विवाद के बीच एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के भगवाकरण का कोई प्रयास नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने किताब में सभी बदलाव को साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर बताया है।